नोज में जमा हुआ कफ कैसे निकालें? यस दोस्तों, नाक में कई बार बहुत बार हम साफ करते हैं, नाक का सीक्रेशंस नहीं निकलता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये देख लो कि यूजुअली नोज़ के अंदर कफ ऐसे बनता नहीं है, बट अगर किसी पेशेंट को बहुत बार बार नोज़ क्लीन करता है और उसका कफ क्लीन नहीं हो रहा, तो दोस्तों उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो हमें ये पता लगाना होता है कि भाई क्या इसका कारण है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि आपका जो है वो एलर्जी है, एलर्जी के कारण नोज़ और साइनस के अंदर पॉलिप बन गया, सूजन आ गया, इन्फेक्शन हो गया, और उसके कारण जो है नाक के अंदर जो हमारे साइनस की सूजन के कारण लगातार उसमें जो गाढ़ा जो बलगम बनता है और वो बलगम जो है जो निकलता है तो उसका रेशा क्या है, क्लीन नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों जो नोज़ के अंदर जो कफ साफ नहीं होता उसका एक इंडिकेशन ये भी होता है कि हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो गया। फंगल के जो रेशो हैं, जो रेशा है फंगस का, वो दोस्तों जल्दी से निकलता नहीं है। बहुत बार नाक में प्रेशर भी लगाना होता है, इसलिए क्या है ऐसी अगर आपको कंडीशन है और कम से कम 3 या 4 हफ्ते से ज़्यादा है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें एक सीटी स्कैन के माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कि ये जो इसका जो हमारा रेशा है, जो कफ है, उसका सोर्स क्या है। उस सोर्स के माध्यम से फिर हमें ये क्या है आगे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर फंगस है तो उसको एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के माध्यम से उसको वॉश किया जाता है, निकाल दिया जाता है, एंड फिर जो है आपको उस प्रॉब्लम को आगे प्रिवेंशन के लिए जो ट्रीटमेंट है वो उचित उपाय डॉक्टर बनाता है। थैंक यू।